मॉर्निंग, राधे राधे, जय कृष्ण। बच्चों आज भी अपन एक समाकलन की शॉर्ट ट्रिक समझेंगे। और एक सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हैं और लाइक कर रहे हैं। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे को भी मोटिवेट मिले, तो डेली शॉर्ट ट्रिक डालूंगा तो वो आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद हो। बाकी आपने बहुत मेरा आपको सपोर्ट मिल रहा है मेरा आपका मुझे, तो आज अपन देखते हैं इंटीग्रेशन की एक नई शॉर्ट ट्रिक लेके आया हूँ मैं, जो वैसे तो वो कम से कम 2 मिनट ले लेती है एक सवाल को करने में, 2 से 3 मिनट, लेकिन इसको अपन जो शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूँ वो आपको मात्र 20 से 30 सेकंड में हो जाएगा उसका, बहुत ईजी। लेकिन पहले आपको उसका थोड़ा सा बेसिक समझना पड़ेगा, वो मैं बता देता हूँ। ये आपका ए एच स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स का समाकलन करना है। अब इसमें क्या है कि अगर यदि 4ac माइनस, डिस्क्रिमिनेंट का उल्टा है, 4ac माइनस b² ग्रेटर देन 0 हो, जानते हो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट ए है और x का कोफिशियंट b है और बाकी c है, और ए बी सी विथ साइन सही आएंगे, चिन्ह सही लेने, जो से अपन द्विघात समीकरण में करते वही है। तो इसका जो इंटीग्रेशन आएगा 2/4ac-b² का रूट टेन इनवर्स आपका डिफ्रेंशिएशन ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाय 4ac-b² का रूट प्लस, दोबारा समझ लो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स, यदि 4 ही अगर हो, अगर नहीं हो तो फिर ये कंडीशन ही लगानी, ये पहले चेक कर लेना, 4ac-b² तो ही ये लगाना, ये कंडीशन है, शर्त है इसकी, ये शर्त है इसकी। अब मैं 4-5 सवाल लूंगा, बहुत ही सिंपल है, तो आप इसको लगा सकते हो। अच्छा, जो आप 4ac-b² है उसी का रूट यहाँ पे लिखा है और वही रूट यहाँ पे काम आएगा, और जो ऊपर वाला जो ऊपर है ए स्क्वायर प्लस, ये डिफरेंशिएशन है उसका, ए एक्स उसका प्लस बी एक्स का डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाय, और ये पूरा पूरा टेन इनवर्स में आएगा। देखते क्वेश्चन, सबसे पहले लिया मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 5x+7, तो 4ac-b² तो 4 × 1 × c 7 माइनस बी स्क्वायर 25, तो ये होगा 7 × 28, 28 में से 5 गया 3, तो ये 3 ग्रेटर देन 0 है, तो इसका आंसर आएगा 2/√3 टेन इनवर्स, इसका डिफरेंशिएशन 2x और इसका डिफरेंशिएशन 5/√3 आंसर। अब बता दो कितनी जल्दी, बस एक ये चेक करना है, एक चेक करने से आपका बस उत्तर आ गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, अब देखो यहाँ पे भी वही है, 4ac-b² करो, 4a का मान है 5, c का मान है 7, -b² 36, ये हो गया 4×5 20, ये हो गया 140-36=104, ये भी ग्रेटर देन, तो इंटीग्रेशन 2/104 का रूट टेन इनवर्स, ये होगा 10x, इसका डिफरेंशिएशन +6 डिवाइडेड बाय 104 का रूट, और इसको सोल्व कर लेते हैं, 2 से काट सकते हैं, 2 × 26 कट जाएगा, टेन इनवर्स, और इसमें भी 2 काट दो तो आ जाएगा 5x+3, 2 कॉमन लेके और 2√26, तो ये आ जाएगा आपको 1/√3
रूट 26 टेन इनवर्स 5x प्लस 3 अपॉन रूट 26 प्लस, बस कुछ नहीं है, 4ac चेक किया ग्रेटर देन 0 आ गया, ये आपने लगा दिया। लेकिन ध्यान, ऊपर कुछ भी नहीं होना चाहिए, शर्त यह कि ऊपर कुछ ही नहीं होना चाहिए, वन ही होना चाहिए नीचे। एक और देखता, 4ac माइनस बी स्क्वायर 4 इंटू 3 इंटू 5 माइनस बी स्क्वायर 4 × 16 चार की 12 × 5 = 60, 60 में से 16 गए 44 ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है। तो वही 2 अपॉन रूट 44 टेन इनवर्स, इसका डिफरेंस 6x प्लस 4 डिवाइडेड बाय रूट 44 प्लस, इसको भी काट लो, इसको लिख सकते रूट 11, क्योंकि इसको रूट 44 को अपन 2 रूट 11 लिख सकते हैं, तो 2 से काट दो तो ये रूट 11 आ जाएगा टेन इनवर्स, और इसमें से भी काट दो 2 तो 3x प्लस 2, ऐसा 2 कॉमन निकाल के रूट 11 प्लस, ये आंसर पता। और देखते हैं, एक और लेते हैं, 4ac माइनस बी स्क्वायर 4 इंटू 1 इंटू सी 7 माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 7 × 28, 28 में से 9 गए 19 ग्रेटर देन 0, ये ग्रेटर देन 0, 28 में से देख लीजिए अगर 10 जाते तो 18 होता है, लेकिन 9 गए तो 19। अब यहाँ से भाई 2 अपॉन रूट 19 टेन इनवर्स, इसका डिफरेंशिएशन 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय रूट यूनिट्स प्लस सी, एक बार मैंने माइनस भी ले लिया, कुछ भी ए बी सी कोई भी साइन रखना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये सब ये ए एक्स के साथ माइनस लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, आप एक्स के साथ माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है, आप तो 4ac माइनस बी स्क्वायर चेक कर लेना बस। अब यहाँ पे भी 4ac माइनस बी स्क्वायर, ए का मान कितना है 1, सी का मान है 5, बी का मान -4 का स्क्वायर, तो ये आपका हो रहा है 4 × 5 = 20, 20 − 16 और ये आगे 4 ग्रेटर देन 0 वही। अब यहाँ पे 1 अपॉन इसका रूट आता है तो 4 का 2 आएगा, अब यहाँ 2 अपॉन 2 आ जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आता है ये एक्चुअल में संख्या होती है 4ac माइनस बी स्क्वायर का रूट होती है बच्चों, तो ये 2 ऊपर आता है, ये संख्या पहले वाले सवाल में भी देख लीजिए अपने 2 लिखा है सब में, ठीक है, इससे पहले वाले में भी 2 लिखा हुआ है, तो ये ध्यान रखना है 2 है। अच्छा फिर टेन इनवर्स ये हो जाएगा 2x - 4 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि ये भी आपका 4ac, तो ये आ जाएगा 1 टेन इनवर्स x माइनस 2 प्लस 1 एक तरह, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो क्योंकि ये 1 का भाग लगाना चाहो तो ये लिख सकते हो, बटा वन लगाना चाहते वन लगा दो, वो तो बटवा नहीं दूंगा, तो बच्चों ये शॉर्ट ट्रिक मैंने बताई आपको, 5 सवाल भी करे और टोटल मैंने देखा टाइम इसके अंदर मेरा जो कंज्यूम हुआ मात्र 7-8 मिनट में ही हो गए सारे सवाल, तो मेरे को ये लगता है वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो बच्चों बस आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको मेरे टेलीग्राम में भी शुरू, तो मैं इसके अंदर पीडीएफ भी डालता हूँ टेलीग्राम में मेरा, उसमें मैंने सारी वीडियो डालता हूँ, उनके उसमें टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करें, मेरा टेलीग्राम का नाम है वो एनएम क्लासेस जयपुर यही, और आज के लिए थैंक यू, फिर एक नई शॉर्ट ट्रिक के साथ फिर मिलेंगे, धन्यवाद।